नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी जो GSTR पोर्टल की वजह से प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोगों को काफ़ी परेशानी में डाला हुआ है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, परेशानी की वजह क्या रही है भी, अब अप्रैल मंथ 2022 की जो GSTR 1 रिटर्न करने की जो फाइल थी वो डेट जा चुकी है, IFF रिटर्न फाइल करने की डेट है जो 13 तारीख वो भी जा चुकी है। अब हमने जो अप्रैल 2022 में जो भी हमारा ITC बनता है, अब वो ITC हमारा GSTR 2B के अंदर शो हो जाना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि GSTR 2A के अंदर तो डाटा शो हो रहा है बट GSTR 2B के अंदर डाटा शो नहीं हो रहा। और हमें जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोग होते हैं वो सबसे पहले GSTR 3B फाइल को फाइल करने से पहले यही देखते हैं भी जितना हमने ITC हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले रखा है क्या उतना ITC हमारा 2B के अंदर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जब 2A पे हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल आपको खाली दिखाई दे रहा है। और उसी की वजह से जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोग हैं वो परेशान हैं, वो अपने जो उनके सप्लायर्स हैं उनको बारी बारी कॉल करके कह रहे हैं भी हमने आपसे जो गुड्स परचेज किया था आपने हमारा डाटा GSTR 1 के अंदर दिखाया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भी उन्होंने दिखाया नहीं है, दिखाया है बट 2B के अंदर ये शो हो नहीं रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, पोर्टल ने इस चीज़ को माना है भी ये इनकम्प्लीट, जो इनकी अपडेट आई है 15 मई 2022 को, इनको लिखा हुआ है इनकम्प्लीट GSTR 2B इन सम केसेस। जब हम इस पर जाके क्लिक करते हैं तो इन्होंने ये सब कुछ माना हुआ है इनकम्प्लीट GSTR 2B इन सम केसेस रिगार्डिंग, यानी कि 15 मई 2022 की ये इनकी न्यूज़ अपडेट है। इन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है इन हैज़ बीन नोटिस देट ए फ्यू केसेस ऐसा नहीं हो सकता नोट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2B स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड अप्रैल 2022, हाउएवर द सच रिकॉर्ड आर विजिबल इन 2A ऑफ ए सच रिसिपियंट, यानी कि आपका 2A के अंदर तो रिकॉर्ड शो हो रहा है बट 2B के अंदर शो नहीं हो रहा। सम केसेस का नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है, जो अकाउंटेंट लोग हैं वो परेशान है। हालांकि इन्होंने अब कुछ सब कुछ अपना पोर्टल की गलती मान ली है भी ये टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है भी हम टू जो हमारा ITC है अब कौन सा लेंगे, 2B के अंदर तो शो हो नहीं रहा है। और तब इनका डिपार्टमेंट का मानना है भी आप जब आप GSTR 3B फाइल करोगे अप्रैल 2022 की तो आपकी जो GSTR 2A के अंदर जितना ITC आपको शो हो रहा है वो आप GSTR 3B फाइल करते वक्त है जो लिख सकते हो। वैसे क्या होता है जब GSTR 3B हम फाइल करते हैं तो जब हमारा ITC वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर 2B के अंदर जो हमारा ITC आता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है। लेकिन अब इनका मानना है भी आप अपना 2A के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके जितना ITC आपको शो हो रहा है जे आपका ये चीज़ अब आपको देखनी पड़ेगी भी आपका 2A और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपको थोड़ा सा एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना होगा, क्योंकि हो सकता है वो 2A के अंदर भी आपका इनवॉइस शो ना करता हो और वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो। तो हो सकता है भी आपका जो सप्लायर्स था वो हो सकता है क्वार्टर रिटर्न फाइल करता हो, उसने हो सकता है IFF फाइल नहीं किया हो, तो उसकी वजह से हो सकता है वो 2A के अंदर भी शो ना करे। तो उसकी वजह से आप अपने सप्लायर से एक बार जरूर कंसल्ट इस बारे में कर लीजिएगा भी आपने IFF फाइल कर दिया है तो फिर अगर पोर्टल पे शो नहीं करा तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ITC है जो ले सकते हो। अदरवाइज डिपार्टमेंट का यही मानना है, पोर्टल का यही मानना है भी ये टेक्निकल इशू के कारण कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने जो परमिशन दे दी है वो परमिशन उन्होंने ये दी है भी आपका जो सेल्फ असेसमेंट बेसिंग यूजिंग GSTR 2A यानी कि 2A के अकॉर्डिंग जितना ITC आपको है वो आप 3B के अंदर डाल सकते हो। तो दोस्तों, इस न्यूज़ से जो अकाउंटेंट लोग हैं काफ़ी सारी राहत उनको मिली होगी, चैन की सांस उन्होंने ली होगी, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे अकाउंटेंट लोग हैं जो परेशान थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ITC को लेके और 2B की ITC को लेके। तो दोस्तों, उम्मीद है इस न्यूज़ से कुछ अकाउंटेंट लोग थोड़ा माइंडली फ्रेश हुए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।